हम सबने ठीक एक साल पहले अभी किसी ने सोचा नहीं था कि दुनिया में हमारे रहते हमारे सामने इतनी बड़ी महामारी आएगी जो दुनिया में लाखों लोगों की जान ले लेगी, यानी कि कोरोना। लेकिन आज इस पैनल के जरिए हम उन लोगों से बात करेंगे जिन्होंने उस अर्थव्यवस्था को संभालने में, उसे एक बार फिर खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई। पहला सवाल इंजीनियर संजीव अग्रवाल जी हैं, सीएमडी हैं सेज यूनिवर्सिटी इंदौर भोपाल से हमारे साथ। सर, सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, इस महामारी के बारे में हमने कभी कुछ सुना नहीं था, कभी देखा नहीं था, और ये बहुत चुनौतीपूर्ण था इस बीमारी से निपटना, इससे लड़ना। हमारा जो स्वास्थ्य क्षेत्र है वो तो तैयार हो ही रहा था, लेकिन शिक्षा क्षेत्र पर बहुत बड़ा असर पड़ा। और जब आप इसी क्षेत्र से आते हैं, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूं किस तरह की चुनौतियां आपने फेस करी और कितना तैयार थे आप इस तरह की चीज के लिए जो कभी हमें सुनी नहीं, जानी नहीं, जिसका बिल्कुल हमें अंदेशा नहीं था। सबसे पहले तो मैं जी एमपी छत्तीसगढ़ को धन्यवाद दूंगा कि फिर से जो अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं उसकी शुरुआत आपने करी, आप बधाई के पात्र हैं। हमें बहुत सारे चैलेंजेस आए थे, कोरोना एक अप्रत्याशित चीज थी जिससे सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। लॉकडाउन लगा था 21 दिन का, तो इतना बड़ा लॉकडाउन होता है, इतने 21 दिन तक कैसे हम घर के अंदर रहेंगे। परंतु वो 21 दिन निकले और 21 दिन ऐसे निकल निकल कितने 21 दिन निकल गए। परंतु हम भारतवासी बहुत अपने आप में स्ट्रांग हैं। आप बात कर रहे थे मेडिकल भी बहुत सारा बढ़ रहा है, इसी बहाने मेडिकल अपने देश में बहुत बढ़ गया है। आप देखिए कल ही WHO के प्रेसिडेंट ने मोदी जी की तारीफ करी कि सर इंडिया ने अलग एक मुकाम हासिल कर लिया, 7 देशों में अपनी वैक्सीन भेजी और भेज रहे हैं। मिस्टर संजीव अग्रवाल, CMD, सेज यूनिवर्सिटी इंदौर एंड भोपाल।